हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन खजाना विद मनीषा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन दम बिरयानी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल इजी तरीके से। तो आप देख रहे हैं मेरी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह की बिरयानी बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा कि मैंने कैसे इसे बनाया है। ये बहुत ही, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो आप प्लीज़ एक बार मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1 कटोरी दही लिया है। आते हैं मसालों पे। तो ये मैंने चम्मच यहाँ पे बिरयानी मसाला लिया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 नींबू लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। और 1 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कर्ड को डालना होगा। कर्ड को अच्छी तरह से डाल करके, और फिर इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके चिकन बहुत जल्दी पक जाएंगे और इसका जो मसालों का टेस्ट है वो चिकन में बहुत अच्छे से चला जाएगा। इसमें मैं लेमन को भी डाल दूंगी। आप जितनी देर तक मैरिनेट करके रखेंगे आपकी चिकन बिरयानी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो अब हम इसमें सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो ये बिरयानी बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर एक बार बना कर ट्राई करिएगा। ये मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। बिरयानी मसाला डालना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मार्केट वाला फ्लेवर नहीं आएगा। और अब मैं ये खड़े गरम मसाले डाल दूंगी, और इन सबको डालने के बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से, और फिर ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपने हाथों से मिक्स कर सकते हैं आप इसे। देखिए, ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हमें 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, और फिर हम बिरयानी को बनाना शुरू करेंगे। अब हमारे 4 से 5 घंटे हो गए हैं, तो अब हमें बिरयानी बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है 1/2 kg, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पे 1/2 कप दूध में केसर डाल के रख ली हूँ ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। और ये मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, और ये मैंने 2 प्याज को बारीक कट करके फ्राई कर लिया है, और थोड़े से धनिया के पत्ते लिया है। तब हमें चावल को बनाना शुरू करना है। तो चावल बनाने के लिए मैंने एक पतीले में पानी डाल के रख दिया है, और इसमें थोड़े से खड़े गर्म मसाले डाल दूँगी। 1 तेज़पत्ता भी डाल दूँगी इसमें मैं, और फिर मैं इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी। ताकि रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होगा, जो आपके राइस होंगे वो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। और मैं इसमें अब नमक भी डाल दूंगी। तो नमक आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि वो पानी के साथ आपका निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें चावल को डालूंगी, चावल को हमें यहाँ पे 80-90% ही पकाना है, पूरा नहीं पका लेना है क्योंकि बाकी के चावल हमारे बिरयानी के अंदर पकेंगे चिकन के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ आपको चावल कितने पकाने हैं। तो देखिए, मेरा चावल पक गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लूँगी। देखिए, अब हमें क्या करना है, कुकर ले लेना है, या फिर आपके पास कोई पतीला हो बड़ा तो वो ले ले। तो कुकर लेने के बाद उसमें मैं नीचे थोड़ा 1 चम्मच घी डालूंगी, और उसके बाद से मैं अपने सारे चिकन के पीसेस को डाल दूंगी। चिकन के पीसेस को हमें पूरा एक लेयर बना के ही डालना है, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। देखिए, और उसके बाद से जो उसमें मसाले हैं उसको भी ऊपर से डाल देना है, सारे मसालों को। अब इसके ऊपर से मैं अपने फ्राई किए हुए प्याज को डालूंगी,
और अब मैं इसके ऊपर राइस डालूंगी। तो राइस भी हमें ऐसे ही डालना है, पूरा फैला करके डालना है, एक ही एक के ऊपर नहीं डालना है, एक के ऊपर एक। तो देखिए मैंने कैसे फैला के डाला है। अब मैं इसमें अपना केसर वाला दूध डालूंगी। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आपके पास अगर कोई फूड कलर है, रेड, ऑरेंज या फिर येलो, तो आप उसे भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बट केसर वाले दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे केसर वाले दूध डाल दिया। अब मैं मिंट के पत्ते डाल दूंगी और इसके ऊपर से धनिया की पत्ती को डालूंगी। अब फिर से मैं इसमें लगती है, आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अब मैं इसे धनिया की पत्ती से गार्निश करूंगी। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपी के साथ।